हाथों डिलीवरी के बाद बड़ा हुआ पेट और वजन कई महिलाओं के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। अगर सी सेक्शन डिलीवरी है तो अमूमन पेट बढ़ ही जाता है, लेकिन आप प्रेगनेंसी के बाद बढ़े हुए पेट और वजन को बेहद आसानी से व्यायाम और योगा का सहारा ले कम कर सकती हैं। एक्सरसाइज और योगा की सहायता से आप पहले जैसी सुंदर और सुडौल बन सकती हैं। लेकिन हाँ, प्रेगनेंसी के बाद मोटापा और पेट कम करने के लिए आप व्यायाम और योगा के लिए जल्दबाजी न करें, बल्कि जब अपना शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाए तभी आप व्यायाम और योग करना शुरू करें। प्रेगनेंसी के बाद वजन कम करने के लिए एक्सरसाइजें हमेशा धीरे धीरे ही शुरू करें। प्रेगनेंसी के बाद कब शुरू करें व्यायाम? जब महिला एक बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे के साथ साथ महिला का भी पूर्ण जन्म होता है। अपने शिशु को इस दुनिया में लाने के लिए उसे काफी परेशानियों जैसे मानसिक और शारीरिक दोनों से गुजरना पड़ता है। बच्चा होने के बाद भी महिला को शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। शुरू में प्राणायाम से शुरू करके फिर हल्के फुल्के व्यायाम और बाद में आप सारे व्यायाम कर सकती हैं, परंतु फिर भी आप व्यायाम या योगा शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर राय ले लें। मोटापा कम करने वाले व्यायाम करने से आपका वजन तो कम होगा ही, इसके साथ आपकी मसल्स भी मजबूत होंगी और शरीर का लचीलापन भी बढ़ेगा। तो आइए जानते हैं प्रेगनेंसी के बाद वजन कम करने वाले आसान उपाय जिन्हें महिलाएं आसानी से घर पर कर सकती हैं। प्रेगनेंसी के बाद वजन कम करने में आप जल्दबाजी ना करके आराम से व्यायाम करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप सामान्य प्रसव में आप 6-7 सप्ताह बाद और सिजेरियन प्रसव में 8-10 सप्ताह बाद व्यायाम शुरू कर सकती हैं। बेली रैप। प्रसव के बाद रैप करना लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इस तरह के रैप से वजन को कम कर सकती हैं, क्योंकि जब आप गर्भवती होती है तो मुख्य रूप से गर्भाशय के उत्तकों और मांसपेशियों, पेट की मांसपेशियों और चर्बी को कम करने में मदद करती हैं। यह बेली रैप माताओं को वजन कम करने के साथ साथ पीठ का दर्द, यूनि प्रसव और एक सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं को पहले वाले आकार में लाने में मदद करता है। जो महिलाएं नियमित रूप से व्यायाम नहीं करती और जो स्वस्थ आहार का भी पालन नहीं करती हैं, उनके लिए यह उपाय उपयोगी है। प्राणायाम। प्रसव के बाद आपको प्राणायाम व्यायाम करना चाहिए। यह व्यायाम बहुत ही सरल और उपयोगी है, इससे आपका वजन कम होने लगेगा। प्राणायाम में अनुलोम विलोम और कपाल भाती एक प्राणायाम का चमत्कारी प्रकार है, जिससे वजन कम करने के साथ साथ कई सारे फायदे हैं। यह एक संस्कृत का शब्द है जिसमें कपाल का अर्थ है सिर और भात का अर्थ है प्रकाश। इसलिए यह प्राणायाम वजन कम करने के साथ साथ चेहरे पर भी चमक लाता है। अनुलोम विलोम करते समय अगर आप गहरी सांस ले सकती हैं तो आपकी अधिकतर समस्याएं गायब हो जाएंगी। त्रिकोणासन। यह योग करते समय शरीर का आकार त्रिकोण के समान होने के कारण इसे त्रिकोणासन कहा जाता है। इस आसन को करने से आपके पेट, कमर, जांघ आदि पर जमी हुई अतिरिक्त चर्बी कम होने लगती है। यह आसन मोटापे से परेशान लोगों के लिए सबसे सरल आसन है। पादहस्तासन। इस आसन से आप पेट पर जमी अतिरिक्त चर्बी को कम करके मोटापे से राहत पा सकती हैं। इसके अलावा यह आसन कब्ज को दूर कर पाचन प्रणाली को मजबूत बनाता है। इस आसन को करने के लिए आप दोनों पैरों पर सीधे खड़े होकर और पैरों को एक दूसरे से मिलाकर रखें, फिर धीरे धीरे सामने की ओर झुके और दोनों हाथों को पैरों के बाजू में रखकर भूमि को स्पर्श करें और माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें। इसके साथ ही आप अपना घुटना सीधा रखने का पूरा पूरा प्रयास करें। किगल एक्सरसाइज। पेल्विक क्षेत्र की मांसपेशियां जो कि गर्भाशय, मूत्राशय और छोटी आंत को सहारा देती है, उन्हें किगल मसल भी कहा जाता है। किगल एक्सरसाइज में इन्हीं मांसपेशियों पर ध्यान देना होता है। किगल व्यायाम करते वक्त आपको केवल इन मांसपेशियों पर ही ध्यान केंद्रित करें हैं। बेहतर परिणाम के लिए दूस
री मांसपेशियों जैसे कुल्हे, जांघ या पेट की मांसपेशियों पर जोर ना दे। डिलीवरी के बाद किगल एक्सरसाइजें काफी फायदेमंद होती है। डिलीवरी के बाद आप रोजाना 15 से 20 मिनट तक यह व्यायाम करें। इस व्यायाम के करने से आपका वजन कम होने के साथ साथ शरीर का दर्द भी कम होगा। हिल स्लाइड। सिजेरियन प्रसव के बाद वजन कम करने के लिए आप रोजाना हिल स्लाइड व्यायाम करें। इसे रोजाना 20 से 25 मिनट तक करने से आपका वजन बिना किसी साइड इफेक्ट के कम होगा। एरोबिक्स एक्सरसाइज। आप अपने पेट और कमर की चर्बी कम करने के लिए और अपना वजन कम करने के लिए एरोबिक्स एक्सरसाइज भी कर सकती हैं। ऐसा करक आप अपने शरीर को सही आकार में ला सकती हैं और अपना फिगर भी अच्छा बना सकती हैं। सेतु आसन। इस आसन में आप जमीन पर पीठ सटाकर लेट जाएं और धीरे से अपने पैरों को ऊपर उठाएं। हाथ जमीन को छूते हुए होने चाहिए और पेट बिल्कुल भी मुड़ना नहीं चाहिए। यह आसन वजन घटाने के साथ साथ चिंता को कम करता है, मन शांत करता है। सर दर्द दूर करने के अलावा तनाव और हल्के अवसाद को भी दूर करता है। यह व्यायाम एक नई माँ के लिए बहुत जरूरी है। भुंजंगासन भी हर नई माँ को करना चाहिए क्योंकि इससे आपको कमर दर्द में राहत मिलेगी। कमर घुमाना। इस आसन में आप एक रिंग लेकर उसे अपनी कमर के पास हाथों से पकड़े और अपनी कमर को गोल गोल रिंग की मदद से घुमाएं। आपको आपका वजन कम करने में काफी सहायता मिलेगी। तैराकी। तैराकी करने से भी आपको वजन कम करने में मदद मिलेगी और आपका मूड भी तरोताजा हो जाएगा। इसके अलावा आपकी मांसपेशियां भी मजबूत होंगी। लेकिन ध्यान रखिए कि प्रेगनेंसी के बाद स्विमिंग कम से कम 2 महीने बाद ही शुरू करें। रोज सैर करें। रोजाना सुबह व शाम को आप 20 से 25 मिनट के लिए सैर पर जाएं। इससे भी आपका वजन कम होगा और आपका मन भी शांत होगा। जो महिलाएं अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती है, वे घर में रहकर एक जगह पर खड़ी होकर भी जॉगिंग कर सकती हैं। अगर आप कामकाजी महिला है तो आप ऑफिस में लिफ्ट का इस्तेमाल करने की बजाय सीढ़ियों से चलकर जाएं। यह भी एक तरह का शारीरिक व्यायाम ही है। सी सेक्शन। डिलीवरी के बाद पेट के हिस्से में चर्बी ज्यादा जमा हो जाती है। यहाँ ऑपरेशन और वहाँ लगने वाले टांकों के कारण होती है। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप तो इसे बेहद आसानी से कम भी कर सकती हैं। सिजेरियन डिलीवरी के बाद पेट और वजन करने के उपाय। डिलीवरी के 1 महीने बाद आप पेट पर बेल्ट बांधना शुरू करें। बेल्ट पेट को और अधिक बने से रोकता है। अजवाइन वाला पानी पिए। यह सी सेक्शन डिलीवरी के बाद पेट की चर्बी को बनने से रोकता है। ज्यादा पानी पिए और बच्चे को स्तनपान कराएं। दोस्तों ध्यान दें, सामान्य और सिजेरियन डिलीवरी के बाद वजन घटाने के लिए योग और एक्सरसाइज करने से पूर्व अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श कर लें, क्योंकि कई तरह के शारीरिक मूवमेंट ऐसे हैं जो सिजेरियन डिलीवरी और सामान्य डिलीवरी के बाद नहीं करने चाहिए। अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी है तो पेट से जुड़ी हुए व्यायाम कम से कम डिलीवरी के 3 माह बाद ही करें।